अमृत वाणी आपका हार्दिक स्वागत करती है। फेंको ये प्लास्टिक की पानी पीआर फेंको वो पेड़ को पीआर फेंको यूज एंड थ्रो के पीछे भी चिंतन चाहिए। यूज एंड थ्रो कैसे चिंतन चाहिए हमारे संतों में मान लो वो कई वर्षों पहले वो वाक्य यूज एंड थ्रो यूज एंड बहुत वर्षों पहले कोई एक सेंटेंस यूं थोड़ा सुनने में आया तो यूज एंड थ्रो गलत भी हो सकता है। जैसे तुम लोग संत हो एलवान एक साल काम लिया सियाड़ा गया उठाओ फेंको उठाओ उठाओ नया फिर नया लेंगे तो यूज एंड थ्रो काम लिया उठाओ उसको तो ऐसे कितना भारी पड़ेगा। एक एलवान 10 साल 15 साल 20 साल काम लो एक साल काम लिया उठाओ फिर आगे नया एलवान ले लेंगे। ये यूज एंड थ्रो वाली बात हमारे लिए ठीक नहीं है। यूज एंड कीप कीप यूज एंड कीप रखो फिर उसको रख लो आगे फिर काम आ जाए। तो ये यूज एंड थ्रो ये हमारे चारित्र आत्माओं के लिए सर्वत्र उपयोगी नहीं है। कपड़े हैं पछेवड़ी है और कई महीने काम आ सकती है तो उठाओ फाड़ो और कोई काम लो ऐसे उठाओ नहीं। कपड़े का भी तो अपना महत्व है आजीविका का भी महत्व है। तो यूज एंड थ्रो ये सर्वत्र हमारे लिए काम का नहीं है। काम की नई नई लेनी नहीं पड़े ज़्यादा। तो यह उपकरणों का जो संयम है कि अनावश्यक तो लेना नहीं रखना नहीं आवश्यक है उसको अनावश्यक फेंकना नहीं बैठना भी नहीं उसको जितना हो सके काम लो।